नमस्कार दोस्तों, रियली भारत सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से अपनी नई नई स्कीम लेके आती है शहर के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए, गांव के लिए, तो वहाँ पे लगता है कि हाँ भारत सरकार बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है जिस वजह से बहुत ज़्यादा ड्रॉप कॉल्स हुई थी और बहुत ज़्यादा लोगों को कंप्लेंट आई थी जैसे जियो आया था, तो उसमें क्या काम किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा, तो आज वो भी रिपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर बात करी जाए तो गवर्नमेंट ने आंसर किया राज्यसभा में, क्या जल्दी जो भारत नेट है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है, सैटेलाइट और प्राइवेट ब्रॉडबैंड सर्विस को भगा देगा इंडिया से, जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि वॉर टाइप से वर्क चल रहा है जिसमें हर कोई डिपार्टमेंट पूरी ताकत से लगा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से फाइबराइज कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत, गांव और डायरेक्टली शहर सेंट्रल तक पहुँचे। यहाँ पे बात करी जाए तो ये जो आंसर दिया गवर्नमेंट ने वो राज्यसभा में दिया और उन्होंने कहा कि 1.94 मतलब बात की जाए तो लमसम 2 लाख ग्राम पंचायत भारत नेट के द्वारा कनेक्ट की जाएंगी, जिससे कि भारत सरकार 30 जून 2023 तक इसमें जो अप्रूवल दिया है वो 171.77 करोड़ रुपए का इसका अप्रूवल है, जो कि एक बहुत भारी अमाउंट देखने के लिए मिलता है भारत नेट के लिए, जिससे कि आपको हाई स्पीड इंटरनेट आपके घर पे ही मिल जाए, वो फर्क नहीं पड़ता आप गांव में रह रहे या शहर में रह रहे। और यहाँ पे बात की जाए तो मई 2023 तक जो फाइबर बिछाई गई है वो 190,105 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का इंस्टॉलेशन किया गया है, जिससे कि बात की जाए तो 643,450 ग्राम पंचायत डायरेक्टली फाइबर राइज कनेक्टिविटी ले पाएंगे और जिससे कि और ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। लेकिन कुछ ग्राम पंचायतें वाया ब्रॉडकास्टिंग या सैटेलाइट द्वारा भी कनेक्ट की जाएंगी, जो कि 4,806 ग्राम पंचायत देखने के लिए मिलती हैं। ये भी काम गवर्नमेंट खुद करेगी सेंट्रल लेवल पे। बात करी जाए तो 30 जून 2023 को भारत सरकार के तरफ से भारत नेट के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया था फाइबर राइज के लिए वो हुआ था 37,171.77 करोड़ रुपये, अब तक खर्च हो चुका है टोटल मिला के, जिसमें कि 1 जुलाई 2023 तक 5,67,000 घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाए जा चुके हैं भारत नेट के द्वारा, वो स्पेशली ग्राम पंचायत या गांव में या विलेज में बात करी जाए तो वहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब आते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉल ड्रॉप्स हुई थी 2016 में, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी, अचानक से जियो आया, पूरी कॉलिंग वॉलिंग सब कुछ फ्री लेके आ गया, यहाँ तक कि नेट भी रिचार्ज मत करो, बस सिम खरीद लो, मतलब सिम ले लो, खरीदो भी मत और आप अनलिमिटेड इंटरनेट चला पाए, तो सबसे ज़्यादा कॉल ड्रॉप की समस्या 2016 में हुई थी और टोटल कॉल ड्रॉप जो थी वो 1,80,000 के करीब थी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कंप्लेंट भी की थी, जिसके बाद ट्राई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और गवर्नमेंट सब एक्टिव हो गए थे। तो फाइनली उसे कॉल ड्रॉप को ख़त्म करने के लिए बात की जाए तो इंडियन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो भी हैं, जियो है या एयरटेल है या बात करी जाए तो जो भी आपको देखने के लिए मिलते थे एसर, यूरिनॉर, इस टाइप की भी सर्विस थी उस टाइम 2016 में, तो वहाँ पे 8,357 बेस ट्रांजिशन स्टेशन लगाए गए थे, जिसके बाद जो कॉल ड्रॉप समस्या थी वो ख़त्म हुई थी। इसी के साथ हम बात करें तो अभी से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई शुरू से ही कहता आ रहा है कि आप अपना 5G नेटवर्क लेके तो आ रहे हैं लेकिन आपको BTS बहुत ज़्यादा लगाने हैं, जिससे कि किसी भी कस्टमर को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। ट्राई हमेशा कहता रहता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, डैट मीन्स यही है कि किसी भी तरीके से कोई कॉल ड्रॉप या बात करी जाए तो किसी भी तरीके की परेशानी देखने के लिए ना मिले। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि अभी रिसेंटली नई अपडेट में बात की जाए तो वॉइस ओवर 5G कॉलिंग ट्रायल चालू हो गए, जिसमें कि कुछ मोबाइलों को यूज़ करने के लिए भी मिल रहे हैं। पूरी फुल वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि भारत नेट की भी बात करेंगे और बात करेंगे किस तरीके से 5G ट्रायल हो रहे हैं और लोग किस तरीके से 5G कॉलिंग का एंजॉयमेंट ले पा रहे हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।